आंखें तकती है रास्ता। बहुत शुक्रिया आप सबका परदेस पर जो रिस्पांस आपने दिया, उससे पता चल रहा है कि आप लोगों को ये कहानी कितनी अच्छी लग रही है। और इसलिए मैंने पहले एक अपने शौक़ के लिए कर लिया था, ये भी शौक़ के लिए किया, लेकिन अब को 3 से 4 साल बाद एक्टिंग का कमबैक किया। बीच में ऑब्वियसली जब से मैंने मॉर्निंग शो छोड़ा तो फिर शोज़ और चीज़ें ऑफ़र होती रही थी, लेकिन कुछ लाइफ की कमिटमेंट्स ऐसी थी, फिर मुझे लग भी नहीं रहा था कि कुछ, मैं वेट कर रही थी कि कोई ऐसी चीज़ आए जो ज़रा सब्सटेंशियल हो। मुझे कहानी बहुत ही टच की और मैं बड़ा एकदम फौरन कनेक्ट हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं, ये वाली ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। क्या ज़रूरत है मुझे और इमन को हर जगह साथ ले जाने की? जानते हैं मम्मी को ये सब पसंद नहीं है। और मैं अपनी पसंद का क्या करूं, जिसका तुम्हारे बगैर कहीं जाने को दिल नहीं करता। और फजूल में उसे गुड़िया भी ले दी, पहले गुजारा मुश्किल से होता है। मैं अपनी तनख्वाह में से अपनी बेटी के लिए 10-12 रुपए की गुड़िया भी नहीं खरीद सकता। बात जरूरत की है सन, प्रॉब्ली ऐसी स्टोरी है जो हर घर में हमें मिलती है। इसकी बहुत सारी लाइंस मेरी अपनी लाइफ से इसलिए इस तरह से रिलेट हो जाते थे कुछ डायलॉग्स कि मेरी और मेरे हस्बैंड की हमेशा ये बहस रहती थी कि उनका वहाँ वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, मेरी यहाँ सेटअप है, तो वो दो मुल्कों के दरमियान हम भी और हमारी पूरी फैमिली भी शंट कर रही है, स्पेशली मैं और अदनान। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परदेस जाते हैं और अपनी देश में रहने वाले लोगों को छोड़ के, यानी अपनों को छोड़ के, और वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके, लेकिन उसकी वजह से वो क्या क्या वहाँ मिस कर जाते हैं, ये शायद जो यहाँ पीछे रह जाते हैं उन लोगों को भी अंदाज़ा नहीं होता होगा। तो इसमें दोनों तरफ का पेन दिखाया, वो पेन जो एक घर वाले, उसकी बीवी बच्चे सहते हैं उसके होते हुए वो बेसहारा होते हैं, और वो पेन भी जहाँ कि वो आदमी मुल्क से बाहर है, अपनों से दूर है, तमाम वो फैसिलिटीज़ या तमाम वो चीज़ें जो अपनों के साथ रह के मिल सकती हैं वो वहाँ नहीं अवेलेबल, लेकिन वो सारी चीज़ों पे सफ़र कर रहा है, उसके बावजूद भी वो वहाँ मौजूद है, इसलिए कि उसको वो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी है जो उसकी उसकी फैमिली की ज़िंदगी बेहतर बना सके। जो रिश्ते होते हैं वो अहम होते हैं, आपस का ताल्लुक अहम होता है, जैसे जूबी कहती है। क्या है इस घर में, ना ढंग का फ्रिज है, ना बड़ा टीवी है, ना एसी, घर की हालत देखो। चीजें इंसानों का निर्मल बदल नहीं होती है सुन, आप मेरे और एमन के साथ हैं, आपका साथ, आपकी मोहब्बत हमारे साथ है, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, मगर गया वक्त फिर नहीं आता। हम किन जगहों पे रह रहे हैं, किन दरों दीवार के बीच में हैं, हम किन चीज़ों पे बैठे हैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी होता है वो वक्त होता है जो आप एक दूसरे के साथ गुजार लेते हैं, और उससे जो आपकी बॉन्डिंग और जो रिश्ता बनता है वो आपको इतनी हिम्मत दे देता है कि फिर आप ज़िंदगी की हर चीज़ के लिए तैयार होते हैं। इस कहानी से सिर्फ समझाया ये गया है कि जितना अहम रिश्तों के करीब रहना है उससे ज़्यादा कोई अहम चीज़ नहीं है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे एक हद तक बंदा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन रिश्तों की क्वालिटी पे नहीं करना चाहिए। क्या आप भी परदेस में रहते हैं? माँ के बने हुए हाथ के खाने, बड़ों की शफकत, बहन भाइयों की नोक झोंक, प्यार भरी लड़ाइयाँ, बेगम की मोहब्बत, उसका ख्याल रखना, बच्चों का आपके साथ अटैच होना, बच्चों की छोटी से छोटी लेके बड़ी से बड़ी बातें, ये सब जो आप मिस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? सो अपनों के खातिर परदेस में रहने वालों के नाम। मेरी आँखें तकती है।